स्कैनर एक ऐसी मशीन है जो दिए गए प्रतिलिपि यानी इमेज या बिंब, ठीक है, बिंब मतलब इमेज या कोई भी चीज हो, जैसे हस्ताक्षर हो गया, फिंगरप्रिंट्स के छाप हो गए, किसी भी चीज को वो क्या करता है, स्कैन करता है यानी उसका छाप लेता है और फिर उसे कंप्यूटर के पास भेजता है। यानी ये एक ऐसी डिवाइस होती है, पहले तो ये इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या होती है, एक इनपुट डिवाइस, आपके स्क्रीन पर स्कैनर का फोटो दिख रहा होगा। तो ये क्या करती है, ये जो भी फोटो है, इमेज है, ठीक है, या बिंब है, हस्ताक्षर है, कोई भी टेक्स्ट है यानी लिखावट है, कोई पेज है, तो उसको क्या करता है, स्कैन करके उसको भेजता है कंप्यूटर के पास। फिर कंप्यूटर क्या करती है, उसको किसी फॉर्म में या फिर जिसका उसका जो काम रहता है वो करता है। सेम काम जिस प्रकार का प्रिंटर का होता है, प्रिंट में हम लोग कोई कॉपी डालते हैं, कॉपी का मतलब है कि एक पेज, ठीक है, फिर जिस पेज को फोटो कॉपी करनी रहती है उस पेज को हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटर में डालते हैं, उस प्रिंटर को क्या करते हैं, वो पेज को वो प्रिंटर स्कैन करके फिर उसका क्या करता है, छाप देता है, तो उसी को क्या कहते हैं, वो प्रिंटर होता है। और स्कैनर क्या करता है, छाप के बाहर तो भेजता नहीं, हालांकि अब जो स्कैनर आ रहे हैं उसमें प्रिंटर और स्कैनर का दोनों क्वालिटियां हैं। तो जब हम किसी डॉक्यूमेंट को या फिर किसी छाप को, किसी फोटो को, किसी बिंब को, किसी टेक्स्ट को, किसी लाइन को हम लोग क्या करते हैं, स्कैन करवाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसकी छाप लेकर, उसकी प्रतिमा, उसकी बिंब लेकर, उसकी इमेज लेकर, हूबहू उसी प्रकार का लेकर कंप्यूटर के पास भेजता है, जिसे पिक्सल में परिवर्तित करके, पिक्सल पिक्सल का मतलब यहां समझेंगे, आप लोग देखते होंगे कि मोबाइल वाले भाई साहब हैं, कहेंगे इसका इतना पिक्सल कैमरा है, इसका इतना पिक्सल कैमरा है, इसका इतना पिक्सल, ये है, फलान है, ढिमकान है, ठीक है। पिक्सल, पिक्सल का मतलब होता है बिंदु, ठीक है, पिक्सल का मतलब होता है क्या, बिंदु, इस प्रकार का बिंदु, ठीक है। देखिए इन्हीं बिंदु से क्या बनती है, चित्र बनती है, ठीक है। अभी स्कैनर की बात करें तो स्कैनर की हम लोग बात करेंगे। देखिए कोई भी चीज है, ठीक है, किसी भी चीज को मान लेते हैं हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो जब स्कूलों में जाते हैं तो उन्हें कुछ कुछ इस प्रकार का ऐसे मिलता है लिखने के लिए, ताकि बच्चा अच्छे से लिख ले, है ना। मान लेते क्या है तो ऐसे बना के दे देंगे और बच्चा क्या करेगा, इन्हीं बिंदुओं से वो मिला के कर्ज कबूतर बना देगा, है कि नहीं। तो इन्हीं बिंदुओं को क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। जब आप फोटो खींचते हैं, फोटो तो खिंचा गया, अब फोटो को अब अगर हम जूम करके देखते हैं तो फोटो फट जाती है। कहने का मतलब ये है कि वहां पर पिक्सल कम होने की वजह से वो फोटो की जो, देखिए मान लेते हैं ये ऐसे पिक्सल है, ठीक है, ऐसे ढेर सारे पिक्सल है, इसी पे क्या करता है, वो आपका चित्र बनाता है, इसी डॉट बिंदुओं पर क्या करता है, आपका चित्र बनाता है और आप कैसे दिख रहे हैं वो उसको दर्शाता है। तो पिक्सल का मतलब है जितनी ज्यादा पिक्सल होंगी, एक इंच में जितनी ज्यादा पिक्सल होंगी, ठीक है, एक इंच, ऐसे एक इंच है, इसमें कितने पिक्सल्स होंगी, कितने पिक्सल, जितने ज्यादा पिक्सल होंगी उतने ही क्वालिटी आपके जो पिक्चर का होगा बहुत बेहतर होगा, ठीक है। तो वो क्या करती है, कोई भी प्रतिमा है, प्रतिबिंब है या इमेज है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई फोटो है चुन्नू मुन्नू का, तो ये चुन्नू मुन्नू प्यारे भाई साहब का फोटो है, अब ये इन्हें क्या करना है, स्कैन करवाना है, ठीक है। तो ये मशीन अगर स्कैनर बढ़िया क्वालिटी का है, बढ़िया रेजुलेशन का है, रेजुलेशन मतलब जिसमें ज्यादा क्या कह सकते हैं हम लोग, डॉट हो, ठीक है, डॉट हो या फिर कह सकते हैं पिक्सल्स हो, ठीक है, तो जितने ज्यादा पिक्सल, जितने ज्यादा पिक्सल्स रहेंगे, जितनी अच्छी रेजुलेशन होगी उसी अनुसार से वो प्रिंटर क्या करेगा, माफ कीजिएगा, वो स्कैनर उसे स्कैन करके उतनी ही अच्छी क्वालिटी में कंप्यूटर को दे, ठीक है। तो इसीलिए बढ़िया क्वालिटी का स्कैनर खरीदा जाता है, फॉर्म भराने के लिए जो फोटो हम लोग साइबर कैफे को देते हैं उसे स्कैन करके फिर वो कंप्यूटर के फॉर्म, कंप्यूटर में वो जाती है स्कैन करने के बाद, फिर फॉर्म फिल की जाती है। तो ये होती है प्रिंटर का, प्रिंटर या फिर कह सकते हैं स्कैनर का काम, ठीक है। प्रिंटर और स्कैनर एक ही में आने लगे, इसी वजह से, ठीक है, आवाज दोनों निकल जा रहा है। तो ये चीजें, पहली बात तो ये कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ये जो हमारे द्वारा दिए गए इमेज को पिक्सल में परिवर्तित करती है। अगर हम कोई फोटो दे रहे हैं स्कैनर को तो वो क्या करती है, पिक्सल में करके उन्हें छोटे 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 बिंदुओं में, ऐसे छोटे 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 बिंदुओं में क्या करती है, बनाती। जितनी अच्छी पिक्सल्स होंगी उतनी अच्छी फोटो होगी, उतनी अच्छी रेजुलेशन होगी यानी क्वालिटी होगी, ठीक है। वो स्कैनर क्या करती है, उसे स्कैन करके बढ़िया क्वालिटी में
उसको कंप्यूटर को दे दी। हस्ताक्षर को स्कैन करना है तो वो भी स्कैनर पेज पे हस्ताक्षर कर दो ऐसे, ठीक है, इस प्रकार का हस्ताक्षर कर दो, जिस भी प्रकार का, वो क्या करेगी, स्कैन कर लेगी कि हाँ इस प्रकार का हस्ताक्षर है। अंगूठा के छाप लेने हैं, दोनों अंगूठे के छाप लेने हैं तो दोनों अंगूठे के छाप लगा दीजिए, उसके बाद वो स्कैन कर लेगी, है ना, पेज पे लगा के दीजिए, वो स्कैन करके फॉर्म फिल कर देगी। इसलिए होता है स्कैनर का काम, क्योंकि मोबाइल अगर है तो मोबाइल में तो फोटो खींचने की फोटो खींच लेते हैं, फोटो जो कैमरा है वही स्कैन कर लेता है थंब को और सिग्नेचर को और फोटो, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में तो जो मॉनिटर है उसमें तो कैमरा है नहीं, अब कैमरा के आगे बैठेंगे तो स्कैन करने कैमरा की सब कैमरे से कीजिए या फिर स्कैनर से कीजिए, तो स्कैनर वाला जो है ज्यादा बढ़िया पड़ता है, ठीक है। तो समझ में आया ना, स्कैनर का ज्यादा काम नहीं होता है, सिर्फ वो स्कैन करती है फॉर्म फिल करने के लिए, कोई जरूरी डाटा है उसको फिल करने के लिए। मान लेते कोई आपको किताबें छापनी है या फिर नेट पे फीड करनी है पेपर को, आप लोग जो ये पेज देखते हैं ऐप हो गए पॉकेट मनी, माफ कीजिएगा क्या कहते हैं वो एक ऐप है ना पब्लिक ऐप, उसमें भी ढेर सारे ऐसे खबर होते हैं, तो जिसपे अखबार के ऐसे चीजें होती हैं या फिर कह सकते हैं अमर उजाला दैनिक जागरण के जो एप्लीकेशंस है उसपे जो पेपर छपे रहते हैं वो कैसे होते हैं, उन्हें स्कैन करके कंप्यूटर द्वारा फिट कर दी जाती है नेट पे, जिसे लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार से वो क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। अब बात करते हैं स्कैनर के प्रकार के, यानी स्कैनर कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। अब तो मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी वाली प्रिंटर स्कैनर आ गई है, स्कैनर जितनी अच्छी रहेगी, कहने का मतलब ये है कि जिसका जितना ज्यादा पिक्सल यानी रेजुलेशन अच्छा होगा उतना ही वो बड़े बढ़िया से स्कैन करेगा, उसकी फोटो फटेंगे नहीं, ठीक है। जो पहले के कैमरे आते थे कैमरा स्कैन, हाँ जो स्कैनर होती है उसमें छोटे छोटे कैमरे लगे रहते हैं जो उन्हें स्कैन करती है, ठीक है, वो उन्हें खींच कर क्या करती है, स्कैन करती है, बिना कैमरे के तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अगर हाँ पहले के जो कैमरे आते थे बहुत ही कम मेगा पिक्सल के होते थे, क्या मेगा पिक्सल, तो जितने मेगा पिक्सल का जितने कम मेगा पिक्सल के रहेंगे उतने ही उसका रेजुलेशन, उसका डॉट इंच, डॉट पर इंच, ठीक है, डॉट पर इंच का मतलब मेगा पिक्सल को किस में नापा जाता है, डॉट पर इंच में, आप लोग लिखें किसमें, मेगा पिक्सल, मेगा यानी एमपी, 2 MP का है 3 MP का, मेगा पिक्सल को किस में नापा जाता है, डॉट पर इंच, ठीक है, डॉट पर इंच में नापा जाता है, मापा जाता है, यानी 1 इंच में कितना डॉट है, कितना डॉट है, जितना ज्यादा डॉट रहेगा उतना ही क्लियर उसका चित्र स्कैन होगा या फिर उसका चित्र खिंचाएगा, ठीक है। तो ये चीजें, अब अगर हम लोग बात करें स्कैनर के प्रकार का, तो स्कैनर के प्रकार तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली 3 प्रकार की अगर हम बात करें तो जैसे स्कैनर, ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो स्कैनर होता है, ठीक है, हाथों व आंखों के लिए, आंखों को स्कैन करने के लिए, ठीक है, स्कैन करने के लिए, ठीक है, छोटा सा होता है आपके स्किन पर होगा आंखों के लिए या फिर हाथों को अंगूठा, आप लोग जाते हैं पैसा निकालने ग्राहक सेवा केंद्र पे तो वहां पर अंगूठा लगाते हैं पैसा निकल जाता है, तो वो अंगूठे का छाप लेता है, क्योंकि अंगूठे का छाप आपके अकाउंट में फीड है कि हाँ ये अंगूठे का छाप जो है स्कैन करके अगर यही आएगा तो आप इससे पैसा निकाल दीजिएगा, उसको ये इनपुट देता है। दूसरा अगर बात करें तो ये पेज स्कैन करने वाला, ठीक है, पेज स्कैन या फोटो, ठीक है, फोटो या फिर सिग्नेचर कुछ भी, ठीक है, सिग्नेचर ये सब क्या करती है, इसको स्कैन करती है, इसको स्कैन करती है, फोटो पेज स्कैन करना हो गया, फोटो स्कैन करना, सिग्नेचर स्कैन करना, ये वाली मशीन साइबर कैफे पर होती है, और हाथों व आंखों को स्कैन करने जहाँ आधार कार्ड बनता है, जहाँ पैसे निकलते हैं वहां पे इसका काम होता है। दूसरा होता है बड़े बड़े क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, मुद्रक कंपनी, ठीक है, मुद्रक कंपनियों में,
यानी जहां पर अखबार अखबार की छपाई होती है वहां पर इसका काम पड़ता है। आंखों व हाथों को स्कैन करने, हाथों मतलब हाथ के प्रिंट्स, ठीक है, इन्हें क्या करते हैं आधार कार्ड वाले जो आधार कार्ड बनाते हैं बैंक हो गए, यहाँ पर इनका यूज होता है, ठीक है। फोटो स्कैन वाले क्या, यहाँ लिख लीजिए क्या, यहाँ आधार आधार कार्ड में, आधार कार्ड, ठीक है, या फिर बैंक पर, बैंक पर, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं किसी सरकार विभाग, सरकारी विभागों में इनका यूज होता है, ठीक है, विभाग विभागों में क्या होता है इनका यूज होता है। और पेज स्कैन की बात करें तो ये साइबर कैफे पर होता है, ठीक है, साइबर कैफे, कैफे या फिर कह सकते हैं फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए ये बहुत ही आवश्यक होती है, नहीं होगा तो फॉर्म कैसे भरेंगे। और ये जो होती है ये अखबार छपने के लिए, ठीक है, अखबार अखबार छापने के लिए, छापने के लिए, ठीक है। और इनका जितना ज्यादा रेजुलेशन होगा यानी डॉट पर इंच होंगे पिक्सल्स, उतना ही अच्छा वो स्कैन करेगा, उतना अच्छा वो फोटो खींचेगा, उतना ही अच्छा वो प्रिंट करेगा, ठीक है। प्रिंटर में भी यही चीजें होती हैं जिस प्रकार का स्कैनर में चीजें होती हैं। स्कैनर क्या करती है, स्कैन करके कंप्यूटर को भेजती है, और कंप्यूटर प्रिंटर क्या करता है, कंप्यूटर की चीजों को प्रिंट करके बाहर भेजता है। बस यही फर्क होता है स्कैनर और प्रिंटर में, ठीक है। स्कैनर क्या करेगा, बाहर की चीजों को खींच के अंदर भेजेगा कंप्यूटर के, और प्रिंटर क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर की चीजों को प्रिंट करके बाहर भेजता है। यही फर्क होता है, लेकिन हाँ दोनों का सिस्टम यही होता है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। एक बात और, अगर मान लेते हैं आपके स्कैनर, ठीक है, स्कैनर से आप कुछ स्कैन कर रहे हैं, ठीक है, और आपके कंप्यूटर में वो नहीं जा रहा है, तो इसके लिए आप अलग से एप्लीकेशन से फिर सॉफ्टवेयर डलवाना पड़ता है कंप्यूटर में, तभी वो काम करता है, ठीक है। और ये क्या होती है, ये क्या होते हैं, हाँ पेरिफेरल होते हैं, क्योंकि स्कैनर जो होते हैं पेरिफेरल होते हैं, ये आवश्यकता के अनुसार जोड़े या निकाले जा सकते हैं कंप्यूटर से, ठीक है। कंप्यूटर में ऐड कर देते हैं तो कंप्यूटर क्या करती है, स्कैन कर लेती है, अदरवाइज काम नहीं है तो निकाल देते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा पिक्सल अच्छा होगा उतना ही अच्छे से वो स्कैन करेगी, वो किसी भी चीज का फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, टेक्स्ट हो गया, उसकी प्रतिलिपि लेकर यानी उसकी कॉपी कर लेती है, उसका नकल कर लेती है, और वही चीज कंप्यूटर को फिर भेज देती है, ठीक है, ठीक है। अब अगर बात करें, हाँ अगर जितना अच्छा, हाँ एक इंच में, एक इंच जितना होता है ना, एक इंच में अगर मान लेते हैं, एक इंच में अगर 300 डॉट्स पर इंच हो, ठीक है, 300 डॉट पर इंच, 300 डॉट्स डॉट्स पर इंच, ठीक है, पर इंच होगी तो वो बहुत अच्छा से फोटो स्कैन करेगी और बहुत ही क्लियर होगा, ठीक है, बहुत HD, ठीक है, यानी क्लियर क्लियर कॉपी करेगा, ठीक है, कॉपी करता है, कॉपी करता है यानी स्कैन करता है, ठीक है, स्कैन करके भेज देता है। मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी स्कैनर है, या फिर ये समझिए जिसके में जितना डॉट पर इंच होगा वही बहुत बेहतर क्वालिटी का स्कैनर होगा, ठीक है। हाँ डॉट्स का मतलब होता है बिंदु, या पिक्सल्स का मतलब होता है बिंदु, ठीक है। फोटो किससे बनते हैं, तो पिक्सल्स से बनते हैं, जितना ज्यादा अच्छा पिक्सल रहेगा उतना ही क्लियर आपका फोटो बनेगा, ठीक है। जितना ही आप लोग देखते होंगे, अगर वीडियो को हम लोग 144 पर कर दें, 144 पिक्सल पर करके देखें, ठीक है, तो वो धुंधला सा दिखता है, बहुत खराब दिखता है, अच्छा समझ में नहीं आता कौन सा पात्र है, कौन किसका किरदार निभा रहा, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे 240 पिक्सल पर करते हैं तो कुछ साफ साफ स्पष्ट, कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे 360 पिक्सल पर करते हैं तुरंत पी मतलब पिक्सल तुरंत बहुत अच्छे से दिखाई देता है। 480 पे कर देते हैं तभी कुछ उससे बेहतर दिखाई देता है वीडियो या फोटो, ठीक है। 720 पे कर देते तो बहुत अच्छा दिखाई देता, बहुत बेहतर। 1080 पर कर देते तो एकदम HD दिखाई देता है ना, एकदम HD माने हार्ड डिस्क कह सकते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी का दिखाता है। तो ये जो पी होती है वो पिक्सल्स होती है, पिक्सल का मतलब होता है बिंदुए, जो कि स्कैनर कंप्यूटर स्कैनर हो गया, कैमरे हो गए या फिर प्रिंटर हो गए, इनमें लगी रहती हैं। जितनी ज्यादा पिक्सल्स होंगी उतनी ही क्वालिटी का वो
बेहतर काम करेगा, उतना ही क्लियर चीजें देगा। समझ में आया? तो ये स्कैनर के बारे में कुछ चीजें थी, कुछ जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर लिखना, और जो भी इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।